मेरे प्यारे सुरक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए चौकीदार साथियों, एक चौकीदार को आज होली के पावन पर्व पर बात करने का मौका मिला, लेकिन मैंने देखा कि आपकी बातों में मेरे प्रति प्रेम भी है, अपने कार्य के प्रति निष्ठा भी है, लेकिन एक गहरा दर्द भी है आपके दिल में कि बार बार चौकीदार को चोट कर पहुंचा करके, चौकीदार को चोर कह करके जिस प्रकार से आपको अपमानित किया गया है, उसका दर्द आपके दिल में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में एक मंत्र बना लिया है, मैं हर गाली को गहना बना देता हूं, गाली को ही गहना बना करके मैं गर्व के साथ पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता से आगे बढ़ता हूं। मेरे चौकीदार साथियों, कोई कितना ही हमें चोर कह करके चिल्लाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम भी गाली को गहने बना दें और सम्मान के साथ जीवन जिए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं फिर एक बार होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और 125 करोड़ देशवासी चौकीदारी निभाएं, चौकीदारी का काम करें, देश की प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, सामान्य नागरिक के हितों की रक्षाओं को कोई नहीं रोक पाएगा। इसी विश्वास के साथ आइए मैं विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद।